हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक लोड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसके ऊपर पहले भी वीडियो आया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक लोड पे 23 एम्प्स का कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा है 14 वोल्ट पे, तो ये 300 वाट का पावर हुआ। 300 वाट का जो पावर है वो इस हीट सिंक को स्लाइटली वार्म कर पाता है। ज़्यादातर जो पावर है वो हीट के फॉर्म में इजिली ये हीट सिंक के थ्रू डिसिपेट हो जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फ़ैन यूज़ किया है उसका एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, जो ज़्यादातर हीट को बहुत ही तेज़ी से डिसिपेट कर देता है। अभी हम लोग इस पावर सप्लाई को टेस्ट करने वाले हैं। ये जो पावर सप्लाई है वो अप टू 60 एम्पेयर तक जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम हम लोग इससे 60 एम्पेयर ले सकते हैं। और जैसे ही मैंने पोटेंशियोमीटर को रोटेट किया तो आप लोग देखिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड है वो पावर सप्लाई से करंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी हम लोग लगभग 55 एम्पेयर के आसपास हैं। और ये जो एम्प वोल्ट मीटर है वो मॉडिफाइड है, मॉडिफिकेशन वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप देखिए कि 60 एम्पेयर पे जाते ही हमारा जो PSU है वो ओवरलोड होके बंद हो गया। तो यहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है वो अप टू 100 एम्पेयर, यानी कि पीक करंट इसका 100 एम्पेयर है। 100 एम्पेयर तक कुछ देर के लिए आप इसको ऑपरेट करा सकते हो। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लोड को हाई करंट पे टेस्ट करने वाले हैं। अभी आप लोग देख सकते हो कि 41 एम्पेयर हमने सेट किया हुआ है, और 41 एम्पेयर के करंट पे जो रेसिस्टर्स हैं वो बहुत ही कम हीट हुआ है, क्योंकि पर रेसिस्टर 1.4 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जो मॉस्फेट्स हैं वो थोड़े हीट हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो कूलिंग फैन है वो हीट को अच्छे तरीके से रेडिएट कर देता है। टेस्टिंग में मॉस्फेट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये शंट काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, और ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि ये शोल्डर वायर को इजीली पिघला दे रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हायर रेटिंग का आपको करंट सेंस रेसिस्टर यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे जो वायर हमने यूज़ किया हुआ है वो 4 स्क्वायर mm का है, तो उस कंडीशन में ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते थे। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 41 एम्पेयर या 40 एम्पेयर से ऊपर जाते हो तो आपको 6 या 8 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है तो बहुत जल्द सेकेंड पार्ट वाला भी वीडियो आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।